जहाँ पे अभी बॉलीवुड का एक्टर को साउथ पे और साउथ एक्टर को बॉलीवुड पे फिल्में करते हुए नजर आते हैं। और इसी सिलसिला में आज मैं अपकमिंग ऐसे इंडियन फिल्मों के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ पर होगा बॉलीवुड और साउथ का पावरफुल कॉम्बो पैक। तो इस लिस्ट पे ऐसे कौन से फिल्म है जाने के लिए सुशांत की वीडियो जरूर देखिए और एक लाइक भी कीजिए। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर वन, रामायणा 3D। और जहाँ पर इसे अपकमिंग माइथोलॉजिकल ट्रायलॉजी फिल्म पे एक तरफ होगा रॉकिंग स्टार यश, दूसरी तरफ होगा बॉलीवुड का यंग एक्टर रणबीर कपूर। हाँ दोस्तों, और इसमें रणबीर को लॉर्ड राम, दूसरी तरफ यश को रवाना के रोल में नजर आएंगे, यानी कि रॉकी भाई एज रवाना, और जो होगा अनडाउटली मोस्ट डेयरिंग कैरेक्टर। और रामायण 3D का बजट रखा गई है 500 करोड़ और ये फिल्म पैन इंडिया नहीं बल्कि पैन वर्ल्ड वाइड रिलीज की जाएगा। नंबर 2, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। और यहाँ पर ये कैसी फिल्म है जिसमें बॉलीवुड के साथ साउथ का एक्टर को भी नजर आएंगे। इसमें एक तरफ होगा खिलाड़ी अक्षय कुमार और यंग एक्टर टाइगर श्रॉफ, दूसरी तरफ होगा मलयालम का टैलेंटेड एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन। और ऐसे बॉलीवुड साउथ का मिक्सचर देखना वाकई ही कमाल का होगा। इसका बजट रखा गई है 320 करोड़ और ये फिल्म पैन इंडिया लेवल पे क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर 2023 यानी कि इसी साल रिलीज होगा। नंबर 3, शंकर नेक्स्ट। और यहाँ पर तमिल का नंबर 1 डायरेक्टर शंकर ने अपनी नेक्स्ट फिल्म मेगा बजट पे लॉन्च करने का प्लान करी है, जहाँ पर एक तरफ होगा थलापति विजय, दूसरी तरफ होगा बादशाह शाहरुख खान, यानी कि सारे फिल्मों का बाप इज कमिंग। और इसका बजट 900 से 1000 तक रखा जाएगा, यानी कि इंडिया का सबसे बिग बजट वाला फिल्म होगा ये फिल्म, यानी कि इंडिया का बिगेस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म लोडिंग। नंबर 4, आदिपुरुष। और इसमें है साउथ की तरफ से रेबल स्टार प्रभास और बॉलीवुड की तरफ से सैफ अली खान। और जहाँ पर इसी फिल्म के साथ सैफ ने अपनी तेलुगु डेब्यू करी है और सभी लोग जानते हैं कि इसमें प्रभास को लॉर्ड राम और सैफ को रवाना के रूप में नजर आएंगे। और जिसका VFX को लेकर कई सारे कंट्रोवर्सी हुआ था, पर देखा जाए तो फिल्म का डिमांड अभी भी स्काई हाई है। और इसका बजट रखा गई है 550 करोड़ और ये फिल्म 16 जून पैन इंडिया लेवल पे इस साल हो रही है रिलीज। नंबर 5, लियो। और जहाँ पर ये है थलापति विजय का अपकमिंग प्रोजेक्ट और इसी फिल्म पर ही मेन विलेन का रोल निभा रही है बॉलीवुड का बाबा संजय दत्त ने। और जो फिल्म होगा लोकी यूनिवर्स का पार्ट। और जहाँ पर एक तरफ विजय, दूसरी तरफ विलेन के अवतार में संजय को देखना एक गुजबम वाला सीन होगा। और ये फिल्म 19 अक्टूबर 2023 पे रिलीज होगा, यानी कि इस साल का और एक इंडस्ट्री हिट फिल्म लोडिंग। नंबर 6, किसी का भाई किसी की जान। और ये है भाईजान सलमान खान का अपकमिंग प्रोजेक्ट और इसमें साउथ की तरफ से नजर आएंगे वेंकी मामा यानी कि वेंकटेश को। और इसे एक्शन कॉमेडी फिल्म पर सालों का लॉन्ग हेयर वाला अवतार होगा और फिल्म पे होगा एक साउथ फ्लेवर और इसको रिलीज किया जाएगा 21 अप्रैल ईद की मौके पर। नंबर 7, जवान। और ये है बादशाह शाहरुख खान का मोस्ट हाइप वाला प्रोजेक्ट क्योंकि इसी फिल्म के साथ एसर के ने अपने साथ डेब्यू करी है। और काफी इंटरेस्टिंगली इसी फिल्म पे विलेन के अवतार पे होगा माका सिल्वान विजय सेतुपति और जिसको डेट करी है एट्टी कुमार ने। और इसमें एसआरके को डबल रोल में नजर आएंगे और एक ही सीन पे एक तरफ विजय सेतुपति, दूसरी तरफ एसआरके का बराबर टक्कर देखना दिलचस्प होगा। और इस फिल्म का शूटिंग चल रही है, ये फिल्म 2 जून 2023 पे हो रही है रिलीज। नंबर 8, जेलर। और ये है मेनली थलाइवर रजनीकांत का अपकमिंग प्रोजेक्ट और बॉलीवुड की तरफ से इस फिल्म पे जैकी श्रॉफ को एक स्पेशल कैमियो पर नजर आएंगे। देखा जाए तो रजनीकांत इसी फिल्म पे दूसरा इंडस्ट्री से कई सारे एक्टर है, पर बॉलीवुड की तरफ से इसमें एक अहम रोल निभा रही है जैकी ने। और इसी फिल्म को 14 अप्रैल 2023 पे रिलीज करने का प्लान है। नंबर 9, हरिहरा वीरमल्लू। और ये है पास्ट अप पवन कल्याण का फिल्म। रिपोर्ट्स के मुताबिक औरंगजेब के रोल में नजर आएंगे बॉबी देओल को। हाँ दोस्तों, और इसमें पवन का होगा काफी परफेक्ट एक्शन वाला अवतार और इसका स्टोरी मुगल एरा पर बेस्ड है। और ये होगा ऑडियंस के लिए एक बिगेस्ट विजुअल ट्रीट और हरिहरा वीरमल्लू को पैन इंडिया लेवल पे की जाएगा रिलीज। नंबर 10, प्रोजेक्ट के। और इसमें साउथ की तरफ से है रेबल स्टार प्रभास और दूसरी तरफ बॉलीवुड की तरफ से है बिग बी अमिताभ जी। हाँ दोस्तों,
और इसको डायरेक्ट करी है महांती का डायरेक्टर नाग अश्विन ने। और प्रोजेक्ट के का बजट रखा गई है 400 करोड़। और ये फिल्म टाइम मिशन रिलेटेड फिल्म होगा जिसको टोटल 2 पार्ट पे रिलीज की जाएगा। और प्रोजेक्ट के का फर्स्ट पार्ट 2024 अप्रैल पे होगा रिलीज। नंबर 11 केडी द डेविल, और ये कन्नड़ इंडस्ट्री का फिल्म है। यंग एक्शन प्रेस ध्रुवा सर्जा को लीड रोल में नजाएंगे और उनका ऑपोजिट में ड्रेडेड विलेन का रोल निभा रही है बाबा संजय दत्त ने। और केजीएफ की बात और एक बार कन्नड़ पे विलेन वाला रोल पे नजाएंगे संजू को। नंबर 2 मुंबई कर, और ये अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म जहाँ पर बॉलीवुड की तरफ से है विक्रांत मसे और दूसरी तरफ साउथ की तरफ से है विजय सेतुपति। और ये फिल्म तमिल का ब्लॉकबस्टर फिल्म मानागरम का ऑफिशियल रीमेक है, पर अभी तक इस फिल्म का ऑफिशियल रिलीज डेट कॉन्फर्म नहीं हुआ। तो सो ये रहा कुछ ऐसे इंडियन फिल्मों के बारे में जहाँ पर एक तरफ होगा बॉलीवुड, दूसरी तरफ होगा साउथ का एक्टर, यानी कि एक ही फिल्म पे दोनों इंडस्ट्री का पावरफुल कॉमबैक को नजाएंगे। तो उसे इस लिस्ट पर कौन से अपकमिंग फिल्म के लिए आप ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट पे बताइए। और ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए। और सो के बॉलीवुड और साउथ इंडियन मूवीज अपडेट पाने के लिए मलेशिया जैन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।